हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करने वाले सारे धुरंधर योद्धाओं को सुनील कर मैथ्स गुरु की राम राम। बहुत ही बड़ी न्यूज आपके सामने निकल के आ रही है अभी। जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक आदत है, वो आदत से मजबूर है कि आपको सरप्राइज करते रहते हैं, चाहे पॉजिटिव न्यूज देके चाहे नेगेटिव न्यूज देके। एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया है, बिल्कुल ऑफिशियल ये न्यूज है, एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया है। पेपर में सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी बात बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है, तो आपको अपनी तैयारी में भी उसके साथ साथ क्या बदलाव करना है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदला, समय ने उसको ठोकर मार दिया, तो आपको भी बदलना पड़ेगा इसी के अनुसार। एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव है उसको देखने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम के 100 100 बच्चे तैयारी करते हैं, तो 5 बच्चे ही सिलेक्शन ले पाते हैं, बाकी 95 बच्चे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये 5 बच्चे कौन से होते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं लेकिन वो मैथ्स को, इंग्लिश को, साइंस को, रीजनिंग को इग्नोर नहीं करते हैं। तो जो ये 5 बच्चे हैं जो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग रेगुलर पढ़ते हैं, उनकी शादी तो अभी सीटी के बाद हो जाएगी। बाकी 95 बच्चे जो सिर्फ हरियाणा जीके और जीके के पीछे पड़े हैं, सिर्फ हरियाणा जीके और जीके के पीछे पड़े हैं, वो इन 5 बच्चों की शादी में नाचने का काम करेंगे। तो आपको डिसीजन लेना प्यारे बच्चों, 5 में आना है या 95 में आना है। तो मैं बता दूं भाई, मैथ्स के बगैर तो सिलेक्शन संभव नहीं है। तो मैथ्स का कोर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के बच्चे भी मैथ्स पढ़े। कुछ मेरे मानुभाव टीचर कहते हैं कि हरियाणा के बच्चे तो मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना तो चाहते, पढ़ाने वाला चाहिए। तो मैंने अपना पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया है, तो भाई मैथ्स वाला मास्टर ऐप डाउनलोड करके आप कोई भी कोर्स प्यारे बच्चों 25 रुपए फीस पे करके एक्टिवेट कर सकते हैं। कोर्स एक्टिवेशन का ये चार्ज, अभी 25 रुपए कोई फीस थोड़ी ना होती है, ठीक है। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी मिलेगी। इसमें आपको लाइव क्लास, पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है। मान लीजिए आपका कोई चैप्टर कमजोर है तो भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आते हैं बहन मुद्दे में, भाई क्या पैटर्न में बदलाव आया है। पहले देखिए, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको बोला था सीटी में 95 क्वेश्चन आएंगे और 95 नंबर के होंगे, लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है प्यारे बच्चों। बिल्कुल भोपाल सिंह खदरी जी ने, जो एचएससी के चेयरमैन है, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू के दौरान बता दिया है कि क्वेश्चन चेंज कर दिए गए। क्वेश्चन 100 होंगे बट इनके नंबर 95 होंगे। मतलब इसका मतलब किसी के ना किसी सब्जेक्ट जो रह जाता है, क्योंकि जब 95 क्वेश्चन है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट रह जाता, बच्चे फिर आतंक मचा जाते, हिंदी नहीं आई थी, इंग्लिश नहीं आई थी। पता है क्या, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक ही कमी है भाई, पैटर्न फिक्स नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है। और आपको प्यारे बच्चों एक बात मैं सचेत करना चाहूंगा कि जो बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीटी एग्जाम की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट देते हैं, उससे मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि अभी तो एनटीए को भी पैटर्न पता नहीं है कितने क्वेश्चन डालने हैं। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी ना दीजिए, इससे आपका समय खराब होता है 2 घंटे। तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आप मॉक टेस्ट देने में लगाते हैं 1 घंटा, उसका विश्लेषण करने में लगाते हैं 3 घंटे, में किसी भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट देने से मान लीजिए किसी ने आसान बना दिया, आपके ज्यादा नंबर आ गए तो आप आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं कि मेरे तो अच्छे नंबर आ गए, मेरी तैयारी अच्छी है। लेकिन प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट उस एग्जाम की दिए जाते हैं जिसका पैटर्न फिक्स हो, जैसे एसएससी का, बैंक का। यहाँ पे मॉक टेस्ट देना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। और मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर कम आ गए और डिमोटिवेट हो जाएगा, और डिमोटिवेट तो मॉक टेस्ट देने कब है, जब आपका रोल नंबर जारी हो जाए। मान लीजिए आपका 2 बजे पेपर है, तो उससे 3 दिन पहले प्यारे बच्चों 2 बजे 3 पेपर दीजिए, मतलब 3 मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको आदत हो जाए उस सीटिंग की। तो इसी, और भाई लगातार 9 बजे मैथ की क्लासेस भाई अपने चैनल पे चलती हैं, और हरियाणा सीटी के लिए तो अगर डेली 9 बजे आपने लाइव क्लास भी लगा ली ना, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे बच्चों। और जल्दी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ भाई। अगर अपना वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स चाहिए हुई बेहतरीन नंबर 1, और एनटीए ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि एनटीए का क्वेश्चन बैंक तो है, हरियाणा जीके को छोड़ के सभी का क्वेश्चन बैंक उनके पास है। हरियाणा जीके सिर्फ प्रीवियस ईयर पूछी जाएगी, बाकी एनटीए अपने क्वेश्चन डालेगा, और एनटीए एग्जाम लेता रहता है प्यारे बच्चों, जैसे यूजीसी नेट का, बहुत सारे स्टेटों में भी एग्जाम लेता है। तो उसका जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, सारे पेपर आप मुझसे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अब फिनिशिंग टच देने का मौका आ चुका है। अभी ये कीड़े हैं, जैसे बारिश के बाद कीड़े बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार अब मैराथन के कीड़े निकलेंगे। इन मैराथनों से बच के रहना है प्यारे बच्चों। और
हरियाणा जी के सिर्फ और सिर्फ बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने, अगर आप इनसे बच गए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों।